Sarva Santam Jai Sarva
ਵੀਰ ਜੈ ਉਤਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜਗ ਜਾ ਚੋ ਨਿਸਿਆਮ ਸਵਾਮੀ ਬਣੋ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜਿਓ ਹਰਿ ਰਹੇ ਕੋ ਕਾਮ ਕਬੀਰ ਸਵਾਮੀ ਚਲੇ ਕਪਾਸ ਕਬੀਰ ਸਵਾਮੀ ਹੋਆ ਸੀਤ ਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੂੜ ਹੈ ਤਨ
Thank you.
तेरा ही
ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਅਬਾਨ ਅਡੋਲ ਅਬੋਲ ਹੈ
शब्द निवास का शिवा
गुहा वाले महाराज जी के शिष्य कुछ शब्द आप लोगों सामने रखते हैं। आप सब ने बहुत शांति से श्रद्धा से प्यार से सुनना है और महापुरुषों का आशीर्वाद सब ने प्राप्त करना है। सब ने शांति बनानी है, बोलना चालना बीच में नहीं है। बहुत लोगों का स्वभाव है अपनी बातचीत करना शुरू कर देना, उससे क्या होता है, महापुरुषों के वचनों का अपराध होता है, दोष लगता है और आदमी का पुण्य घट जाया करता है। जो सत्संग है, गुरु महाराज जी की वाणी है, परमात्मा का दरबार है, उसमें सभी लोग हम आकर के बैठे हैं। सब ने शांति से प्यार से महापुरुषों के वचनों को श्रवण करना। बोलो बंदीश्वर महाराज की जय। स्वामी रामकृष्ण जी महाराज गौरवंदी छोड़ महाराज की। सारे जयकारा बोलो भाई। सतगुरुपुरी वालों की, वृंदावन बिहारी लाल की, गरीब समर्थ का सरना लिया, तही न चंपे काल पार ब्रह्म का ध्यान धरे, होत न बनका वाले। श्री बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लग हमारी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोरे। बोलो गुरुदेव भगवान। परम पूजनीय परम आदरणीय सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी की अमटमयी कल्याणकारी गुरबाणी स्वामी जी महाराज जी, स्वामी जगदीश मुनि जी और आज दिवंगत जीव आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए नजदीक और दूर से प्रभु प्रेमियों, माताओं, देवियों, प्यारे बच्चों, हम सबको मालूम ही है कि चौधरी रामलाल जी परमात्मा के द्वारा दी हुई सांसों की पूंजी को पूरी करते हुए सतगुरु के चरणों में जा विराजे हैं। चौधरी साहब के परिवार वालों ने उनकी आत्मिक शांति के लिए बंदी छोड़ महाराज जी की वाणी का पाठ करवाया है। प्रेमी सज्जनों कुछ एक बातें ऐसी है जो इस जीव को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। एक बात को हम सारे ही अच्छी तरह जानते हैं कि इस संसार में जो भी पैदा हुआ है उसने एक दिन समाप्त हो जाना है। उसका अस्तित्व जिस रूप में हम देख रहे हैं उस रूप में उसका अस्तित्व कायम रहने वाला नहीं, और इस रहस्य को अगर जब भुगत भोगी उससे पूछा जाए तो उससे संपर्क साधना बड़ा मुश्किल है। कहने वाले ने कहा है, आने वाला बेखबर और जाने वाला रास्ता, किससे पूछे मंजिले मकसूद कितनी दूर है। क्या हूँ और इस जन्म से पहले मेरा कैसा प्रारूप, कैसा अस्तित्व था। परंतु जिन त्रिकालदर्शी महापुरुषों ने इस सारे रहस्य को जाना है, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद के अस्तित्व को जो जानता है वो सत्य को जानता है। इसलिए इस संसार के अंदर इस अटल सच्चाई को जान करके सदशास्त्रों के अनुसार संत महापुरुषों के द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार हमें बहुत कुछ कहा है, पुराणों में बहुत कुछ कह दिया है, वेद वेदांत श्रुति स्मृतियों में बहुत कुछ कहा है। कबीरदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, रविदास जी महाराज वर्गे हमसे कह दिया है, और वो सभी इस सच्चाई को मानते हैं कि जो पैदा होता है उसने तो नष्ट हो ही जाना है, पर हमारा एक ऐसा स्वरूप है जो ना कभी पैदा हुआ ना कभी समाप्त होता है,
अपने उस स्वरूप का बोध अगर मनुष्य शरीर के रहते रहते कोई प्राप्त कर ले तो उसको मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, संसार में मेरेपन का जो अहम भाव अहंकार भी समाप्त हो जाता है। संत दया सिंह आरंभ हुए, उन्होंने जिंदगी विलास में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं मनुष्य के जीवन के लिए। बने शब्दों में उपदेश दिया, उन्होंने कहा है अहंकार से विच तू गाफला होए किता गोरते नाल छियास नहीं अखी वेख के तुरदियां सजणा नू होया जित दे विच उदास नहीं जेड़ा नाल खुराक दे पालियां ही तेरा छड़ना चिड़ियां मांस नहीं नकास नहीं तेरे जानियां दिलवरां सजणा ने एक रात भी रखनी लास नहीं पुन ते दान कर ले मित्रा मान पहना सदा रहनियां दौलतां पास नहीं तो सच्चे नाम दा पंड व्यापार कर ले समझ सदा जमा दिया रास नहीं दया सिंह शरीर ने विनस जाना जिस शरीर की प्रॉपर्टी तू समझ बैठा है एदे महल एदी जमीन जायदाद एदे पद प्रतिष्ठा मौत दे एक झटके दे नाल ही सारे अधिकार समाप्त हो जाने दया सिंह शरीर ने विनस जाना कदे हुंदियां आत्मा नाश नहीं आत्मा कहते हैं जीव के सच्चे स्वरूप नू साडा एक सच्चा स्वरूप है आत्मा जो उस सत्य स्वरूप को जान लेता है वो उस सत्य स्वरूप में स्थिति पाके ही जान सकता है। यहाँ जानने वाला और जानने में आने वाला ये दो द्वैत रहता ही नहीं है। जब वो जानता है तो उसी का विचार प्रवाह संसार के पदार्थों की तरफ चलता रहेगा। तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्कर में जन्मते रहेंगे मरते रहेंगे जन्मते रहेंगे मरते रहेंगे, ये सर्कल कभी समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए इस अटल वी कम फ्रॉम द अनमैनिफेस्ट वी स्टे इन द मैनिफेस्ट वी गो बैक टू द अनमैनिफेस्ट और स्टे इन द मैनिफेस्ट इज हरी टाइम ऑन ये थोड़े समय वास्ते जीव इस देह के नाल संसार के अंदर विचरण करता है और उन्हें ही सत्य मान के और ओदे विच ही ये पहुंच जाता है अपने स्वरूप नूं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं आपे दीपक आपे बाती आपे पुष्प आप हैं बाती कहे कभी ऐसी आरती गाऊं आपा मत है आप सुनाऊं। मनुष्य शरीर के रहते रहते अपने स्वरूप में स्थिति पा जाए जा रहे हैं पर वास्तविक उस जो बात कही गई है उसके ऊपर हम अमल नहीं कर रहे। कबीरदास जी महाराज से माता गौरी ने पूछा कि हे सतपुरुष सदगुरु स्वरूप सगुण स्वरूप जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके आपके शब्द के साथ अपनी सुरत को नहीं जोड़ता है ऐसे जीव की ऐसे मनुष्य की क्या दशा होगी। तो कबीरदास जी महाराज रोज वाणी में सुनते हैं कबीरदास जी महाराज माता लोही को कह रहे हैं कि वो जीव कृत करी है जो इस संसार में मानव देह को प्राप्त करके मेरे स्वरूप को भूल गया है जो मेरे साथ प्यार नहीं करता है संसार के सौपुर पदार्थों के प्रति जिसकी आसक्ति हो गई वो कृत जनी जीव है। तो कबीरदास जी कहते हैं कृत जनी भूले न रोई जागृत निश्चय नाम न होई सोनर कीट पतंग बहंगा चोरा सीने धरी है अंगा उदरित खानी भूलते प्राणी समझे नहीं सबद सहलानी हम हैं सबद सबद हम माही हमसे भिन्न और कुछ नहीं। ये जो सारी सृष्टि है उस सबद से सौपुण मत प्रकट होती है बाकी उस सबद में ही ये लीन हो जाती है ये अटल सत्य है। और वो सबद मनुष्य शरीर को प्राप्त करके स्वयं अपने ही अंदर उसके साथ से सुरुद्ध जोड़ के उसमें लीन हो सकता है यानी कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सकता है। बहुत बारी हम बातचीत करते हैं जब ध्यान में बैठते हैं गुरु प्रदत्त नाम का स्मरण करने बैठते हैं तो हमारा ख्याल कहीं का कहीं चला जाता है। इस संसार के अंदर लाखों करोड़ों में कोई एक आता है तो संसार का व्यवहार करते हुए मन जिसका स्थिर है मन स्थिर है। तीन प्रकार की स्वरूप सिद्धि बताई है
जिसकी मृत्यु का निरोध करके अपने स्वरूप में जो स्थिति पा गया वो संसार से मुक्त, ऐसी अवस्था में अगर शरीर छूटता है तो उसका आवागमन नहीं होता। दूसरा है संपूर्ण योग कहते संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता में जिसके मन में समता बनी रहते हैं वो योगी, वो संत कहो भगत कहो योगी कहो कुछ भी कहो उसको वो साधना जो संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता में मन की समता बना के रखे, ऐसा स्वभाव उपलब्ध जिसने कर लिया। और तीसरी बात के लिए योग है कार्य सुकोष्म, या जो भी कार्य हम करते हैं सिर्फ उस वक्त उस कार्य में ही हमारा मन हो, हमारा ख्याल हो, ख्याल आगे पीछे ना जाए। तो ये तीसरी अवस्था है साधना की। सुश्रुत मार्ग के अन्य बंदी छोड़ महाराज ने कहा है कि ऐसा कोई पुरुष जो